हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 13 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 12 वीडियो आ चुके हैं। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर ना पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो PDF फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम PDF के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य देश के रूप में 2021 में किसे शामिल किया गया है? तो 2021 में ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य देश के रूप में कुल 4 देशों को शामिल किया गया है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? मिस्र, इजिप्ट, बांग्लादेश, UAE, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई, ऑल ऑफ द अबो। ये हैं वो 4 देश जिनको ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य देश के रूप में 2021 में शामिल किया गया है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ब्रिक्स बैंक क्या है। ब्रिक्स बैंक, जिसको ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय फोरम के द्वारा बनाया गया है, ब्रिक्स में टोटल 5 देश आते हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। और इसी ब्रिक्स फोरम के द्वारा एक बैंक बनाई गई है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक, जिसे हम NDB बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसके 5 फाउंडिंग मेंबर देश हैं और 4 नए देश ऐड हो गए हैं। तो अब कुल ब्रिक्स बैंक के सदस्य देश हो गए हैं 9। ये 9 सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और मिस्र। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है चीन के शांघाई में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रायोजो। ब्रिक्स बैंक की स्थापना होती है 2014 में। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है। चीन में ही एक दूसरी बैंक है जिसका नाम है AIIB बैंक। AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है चीन के बीजिंग शहर में। वर्तमान में AIIB बैंक के कुल सदस्य देश हैं 105 और इसकी स्थापना होती है 2016 में। अब आपको ब्रिक्स से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे ब्रिक्स सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ब्रिक्स समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा चीन देश में, जबकि पिछले साल 2021 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया था भारत देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ARIIA रैंकिंग 2021 में किस शिक्षण संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है IIT मद्रास ने। यहाँ पर ARIIA का फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे मिला है? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा का पुरस्कार दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए, जबकि अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया है नमिता गोखले को इनकी पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड। अब आपको जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 हैं इनके बारे में भी याद रखना है, क्योंकि रेलवे में पिछले 1 साल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा का पुरस्कार दिया गया था अनामिका को इनकी पुस्तक थियरी में दिगंत टोकरी गाथा के लिए, जबकि अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया था अरुदंति सुब्रमण्यम को इनकी पुस्तक व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए। अब हम जान लेते हैं कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार क्या है। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार, जो कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक सम्मान है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं, राजस्थानी और अंग्रेजी, कुल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार पहली बार 1955 में दिए गए थे। अब हम 2021 और 20 में तथा 22 में जितने भी साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं उनको एक साथ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 2019 में मलयालम भाषा के लेखक आयुक्तम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था। ये क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा भी गया था। 2021 का जो साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये असामीज लेखक नीलमणि फुकन को दिया गया है, और 2022 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कोंकणी भाषा के लेखक दामोदर माउजो को दिया गया है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान है,
जो कि 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी यानी कि कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है 1965 में और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में मलयालम भाषा के राइटर जी शंकर कुरुप को। इसी प्रकार से भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण है पुरस्कार, जिसका नाम है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया है मधु काकरिया को, इनके पुस्तक हम यहाँ थे, और 2020 का पुरस्कार दिया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को, इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। इसी प्रकार से तीसरा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो कि 2019 में दिया गया था नासिरा शर्मा को, इनकी पुस्तक कागज की नाव के लिए। 2020 का पुरस्कार दिया गया शरद पगारे को, इनकी पुस्तक पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और व्यास सम्मान 2021 दिया गया है असगर वजाहत को, इनके नाटक महाबली के लिए। इसी प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अन्य पुरस्कार है, जिसका नाम है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2019 दिया गया था वासुदेव मोही को, इनकी पुस्तक चेकबुक के लिए। 2020 का पुरस्कार दिया गया शरद कुमार लिम्बारे को, इनकी पुस्तक सनातन के लिए। और हाल ही में 2021 का पुरस्कार दिया गया है रामदरस मिश्र को, इनके पुस्तक मैं तो यहाँ हूँ। तो इस प्रकार से मैंने साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सभी सम्मान को यहाँ पर कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिग्री को लॉन्च किया है? तो ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आईआईटी कानपुर में। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, और कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। और कानपुर में ही भारत का पहला चमड़ा उद्योग चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि आईआईटी से रिलेटेड हैं। जैसे आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर, जिसका नाम है नियोबोल्ट। आईआईटी रोपड़ के द्वारा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया गया है। आईआईटी कानपुर के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किए गए हैं। आईआईटी रोपड़ के द्वारा भारत का तथा दुनिया का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और यूएई के बीच एक व्यापार समझौता हुआ, जिसके तहत भारत अपना पहला आईआईटी भारत से बाहर यूएई देश यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगा। तो आपको याद रखना है, भारत से बाहर भारत का पहला आईआईटी यूएई देश में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान गणितज्ञ आनंद कुमार जो कि आईआईटी कोचिंग सुपर 30 के फाउंडर हैं, इनको 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन किस देश के द्वारा पेश किया गया है? तो दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जो व्हीकल है, ये पेश किया गया है जापान देश के द्वारा। डुअल मोड वाहन क्या है? ये जो वाहन है नॉर्मल सड़क पर भी चल सकेगा, साथ ही साथ जो ट्रेन के रेलवे ट्रैक होता है उस पर भी ये वाहन चल सकता है, इसीलिए इसे डुअल मोड व्हीकल के नाम दिया गया है। जापान देश जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है टोक्यो, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, जापान की मुद्रा है एन। 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था जापान की राजधानी टोक्यो में। और 2021 में भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। अगला क्वेश्चन है, जापान का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये दिया गया है भारत की शिक्षिका श्यामला गणेश को। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वर्तमान में, इसका नाम है फुगागू जो कि जापान देश का सुपर कंप्यूटर है। भारत जापान के साथ टोटल 5 सैन्य अभ्यास कंडक्ट करता है। ये 5 सैन्य अभ्यास कौन कौन सी हैं? सिन्यू मैत्री, सहयोग काजिन, धर्मागार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज तथा जिमिक्स। ये हैं 5 मिलिट्री एक्सरसाइज जिनको भारत जापान देश के साथ आयोजित करता है। अब आपको जापान देश के 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। एक है नवोमी ओसाका जिनका संबंध है टेनिस से, दूसरी खिलाड़ी है नोजोमी ओकुहारा जिनका संबंध बैडमिंटन से है। और यहाँ से एनटीपीसी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि नोजोमी ओकुहारा का संबंध किस खेल से है। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, एक प्रोटोकॉल है, एक समझौता है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल।
यह क्वेश्चन सीधे सीधे एनटीपीसी में पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से। जो क्योटो शहर है ये जापान का एक शहर है जहां पर समझौता हुआ था देशों के बीच, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में पहला स्थान हासिल किया है। अब आपको कुछ रैंकिंग याद रखना जो कि राज्यों से रिलेटेड है, जैसे सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश, फलों के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का शीर्ष राज्य है केरल, सुशासन सूचकांक में नंबर वन भारत का राज्य है गुजरात, पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में नंबर वन राज्य है उत्तर प्रदेश, FSSI द्वारा जारी किए गए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में नंबर वन राज्य है गुजरात। तो ये हैं कुछ राज्यों से रिलेटेड इंडेक्स जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, PNB के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अतुल कुमार गोयल को। PNB का मुख्यालय है नई दिल्ली में और भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राष्ट्रीयकरण होता है 1955 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है, तो पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आलिया भट्ट को। यहाँ पर पेटा क्या है, पेटा एक NGO है जिसका नाम है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अब हम कुछ पुरस्कार देख लेते हैं जो कि 2021 और 22 में दिए गए हैं, जैसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू जो कि मणिपुर राज्य से एक वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए रजत पदक जीता था। इसी प्रकार से BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है एम्मा रादुकानू को। एम्मा रादुकानू जो कि इंग्लैंड देश की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस भारतीय बैंक को दिया गया, तो इसका पुरस्कार दिया गया है प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक को। अगला क्वेश्चन है, 2022 लारियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया जाएगा, तो इसके लिए नॉमिनेट किया गया है भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया, तो इसका राइट आंसर है सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स जो कि अमेरिका देश की एक जिमनास्ट खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया गया है एलन मस्क को। एलन मस्क जो कि SpaceX तथा टेस्ला कंपनी के फाउंडर और CEO हैं। एलन मस्क दुनिया के वर्तमान में सबसे धनी व्यक्ति हैं, यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया, तो इसका राइट आंसर होगा केरल राज्य ने। यहाँ पर बात की गई है नीति आयोग की। नीति आयोग से आपको टोटल 6 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये 6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, सबसे पहला है नीति आयोग का फुल फॉर्म। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। CEO हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे मिला है, तो ये पुरस्कार दिया गया है विरल सुधीर भाई देसाई को। विरल सुधीर भाई देसाई जो कि गुजरात राज्य के एक बिजनेसमैन हैं, इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं, एनवायरनमेंट से संबंधित हैं, जैसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 दिया गया सस्मिता लिंका को। प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से नवाजा गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो कि तमिलनाडु राज्य का एक टाइगर रिजर्व है। इसी प्रकार से आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए 2021 का पहला उपग्रह आर्कटिका M नाम का जो उपग्रह है यह रूस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि पर्यावरण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसे हम हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष के नाम से जानते हैं। WWF का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं भारतीय मूल के व्यक्ति पवन सुखदेव। पवन सुखदेव को 2020 का टायलर पुरस्कार दिया गया था। टायलर पुरस्कार, जिसे हम पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कब शुरू किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू किया गया था 1972 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया था। तो राइट आंसर होगा 1986 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। अगला क्वेश्चन जो कि RRB NTPC में पूछा गया था कि WCCB का फुल फॉर्म क्या है। WCCB का फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन जो कि NTPC का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक यानी कि रेड लिस्ट बुक जो है कि किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है IUCN संस्था के द्वारा, जिसमें दुनिया भर के जो संकटग्रस्त स्पीसीज हैं उनका एक रिकॉर्ड कायम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल का निर्माण इकाई की आधारशिला कहां पर रखी गई है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल की आधारशिला की निर्माण आधारशिला यानी कि इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो यूनिट स्थापित की गई है, ये स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। अगला क्वेश्चन है जो कि ब्रह्मोस से ही रिलेटेड है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है। तो 2021 में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है फिलीपींस देश ने, जिसकी राजधानी है मनीला। ब्रह्मोस क्या है। ब्रह्मोस पूरी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जो ब्रह्मोस है इसका दो देशों की नदियों के नाम पर नाम रखा गया है। ये नदियां कौन कौन सी हैं, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस की जो मास्कोवा नदी है, इन दो नदियों के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस नाम लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बिलियार्ड्स खिताब 2021 किसने जीत लिया है। तो राष्ट्रीय बिलियार्ड्स खिताब 2021 जीत लिया है पंकज आडवाणी ने। अब आपको कुछ भारतीय बिलियार्ड्स खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ भारतीय बिलियार्ड्स फेमस खिलाड़ी हैं, ध्रुव सीतवाला, पंकज आडवाणी, गीत सेठी तथा दिव्य मेहता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मीन दंप मंज पाई योजना शुरू किया है। तो मीन दंप मंज पाई जो योजना है ये तमिलनाडु राज्य की योजना है, जिसका उद्देश्य है जो कपड़े के थैले हैं इनके उपयोग को बढ़ावा देना, ताकि लोगों को प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो आपको याद रखना है, प्लास्टिक के थैलों का उपयोग जो है इसको कम करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है मीन दंप मंज पाई तमिलनाडु राज्य के द्वारा। और इससे एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया है। तो इसका भी वही उद्देश्य है, ये शुरू की गई है लखनऊ नगर निगम के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कब तक की खत्म कर देना। तो भारत सरकार का लक्ष्य है भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म कर देना वर्ष 2022 तक। तो इस प्रकार से आज मैंने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को कवर कर दिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेनली RRB NTPC CBT 2 और ग्रुप डी परीक्षा, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। यदि आप इस सीरीज के सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जो अपडेट है आप तक पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।